बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के जूम सेशन में मैं आप सबको जो है वो खुश आमदीद कहता हूँ। आई एम काजी मोहम्मद नबील फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द PSX बुल राइडर्स। और टुडे इज 11 फरवरी 2021 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर मार्केट की बात करते हैं, मार्केट ने आज क्लोजिंग दी 46,055 पर जो है मार्केट क्लोज हुई। तकरीबन 588 पॉइंट जो है मार्केट जो है KSE 100 इंडेक्स जो है वो डाउन हुआ। अगर हम लोग मार्केट के जो है वो ओवरऑल ज़रा सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, ज़रा कैसे मार्केट ने आज जो है हमें जो है वो मूव करती रही, तो तकरीबन हमने शुरू में मार्केट का एक जो है वो हाई देखा। तकरीबन जो है मेरे पास टाइम आ रहा है 9:00 जो है वो 41 पर हमने मार्केट का हाई देखा था, दैट वाज 46,935। और फिर इसके बाद जो है मार्केट थोड़ी सी फिर नीचे आई 11 बजे के करीब करीब, और मार्केट पहुंच गई 46,473। फिर तकरीबन 11 बजे से लेकर और 2:45 बजे तक मार्केट फिर ऐसे ही घूमती रही इसी लेवल के करीब करीब, यानी 46,450 के राउंड अबाउट। और फिर इसके बाद जो है जो आखिरी जो है तकरीबन 45 मिनट थे, उसमें फिर हमने एक शार्प जो है मार्केट के अंदर जो है वो डिक्लाइन देखा, एक सेलिंग प्रेशर देखा, जिसकी हम लोग बार बार भी जिक्र करते आ रहे हैं कि मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन की जो है वो ज़रूरत है। शायद वो वक्त आ गया कि मार्केट अब जो है वो थोड़ी सी करेक्शन लेगी, क्योंकि हमने देखा कि पिछले मार्च से लेकर जो है अभी तक मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड ही चला आ रहा था, जहां मार्केट एक टाइम था 28,000 पर थी, अब मार्केट 47,000 तक पहुंच गई और काफ़ी हद तक जो है ओवर बॉट पोजिशन पर मार्केट पहुंच चुकी थी। और कल के सेशन में भी हमने ये बात की थी कि मार्केट को 2-3 हज़ार की करेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है ये मार्केट के लिए, अगर हो जाती है तो ये बहुत हेल्दी साइन है। उसके बाद जो है मार्केट फिर आगे हमें अगले लेवल्स पर जो है वो नजर आएगी। अगर आज की हम लोग टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं, जिसमें जो है वो WTL का नाम आता है सबसे टॉप में, टेलीकार्ड है, के इलेक्ट्रिक है, मैपल लीफ, फौजी सिमर, DGKC, सिल्क बैंक, पाकिस्तान रिफाइनरी, मीडिया टाइम्स और TRG आज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स हैं। और अगर टॉप एडवांसिस की बात करते हैं, कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स को देखते हैं, जिनमें जावेदान कॉरपोरेशन है, रेडको टेक्सटाइल, फिर खुर्शीद स्पिनिंग, सीन आबादगार, AKD कैपिटल और इको पार्क जो है टॉप एडवांसेस में मुझे नज़र आ रहे हैं। और टॉप डिक्लाइन की बात करें, बड़े बड़े स्टॉक में नेट सोल का नाम आ रहा है, डेडेक्स इटर्निटी लिमिटेड, फिर इसके बाद TPL इंश्योरेंस, जहांगीर सिद्दीकी और निमिर रेजिन जो है वो टॉप डिक्लाइन में जो है वो शामिल है। ये बहरहाल जो है मार्केट का यही, यानी कि ये मार्केट की खूबसूरती है, कभी मार्केट ऊपर कभी मार्केट नीचे ऐसे ही जो है वो चला आता है मार्केट का सेंटीमेंट। बहरहाल हमें इससे कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ना ही हमें परेशान होना चाहिए, बल्कि हर टाइम हमें रेडी रहना चाहिए कि कब मार्केट करेक्शन ले। यही होता है, जब मार्केट डिप ले तो बाय करें, हाई पर जाए तो आप उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। ऐसे ही चला आता है काम। जी क्वेश्चन आज काफ़ी ज़्यादा है। डॉक्टर साजिद साहब है सबसे टॉप पर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सलाम भाई साहब, वालेकुम सलाम जी। जो आज होना था वो तो हो गया, कल की बताएं, कल क्या होगा? हाँ जी, अभी मार्केट को थोड़ा सा डिप लेने थे, जहाँ मार्केट ओवर बॉट हुई थी, कुछ स्टॉक बहुत ही ऊपर चढ़ गए थे, जो आज भी मैंने नाम लिया जो आज नीचे आए हुए हैं, तो जारी बात है थोड़ी सी करेक्शन हम देखेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट 2-3 हज़ार तकरीबन 44,000 तक भी अगर आ जाए, तो ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है मार्केट के लिए। जो हम कह रहे हैं ना, ये इतनी ऊपर चढ़ गया है, तो थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल हो जाए, फिर उसके बाद मार्केट के अंदर फिर एक नया हम जो है ना वो सिक्वेंस और एक रिदम देखेंगे। ये चलें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चले वेलकम जी। नेक्स्ट हमारे पास है अफगान खान साहब। सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अफगान भाई, अनम्यूट करें आप। जी बोले आप। सर वालेकुम सलाम। सबको सलाम, और काफी दिनों से मैं आपको अप्रोच करना चाह रहा था, मगर खैर हम लोग कामयाब चल रहे थे, आपको देख भी रहे थे। आज आपने मिलियन डॉलर क्वेश्चन का आंसर दिया मुझे। जैसे जी कल मैंने पूछा 144 पे पानीर था, निकले 132 पे आया, वहां से डिप से पिक किया 144 पे वापस आया। ये पहली मछली है जो कि रियल टाइम बेस पे मैंने पकड़ी है। अदरी साहब ये मछलियां पकड़ना सीख रहे हैं हम। बाकी सर आपसे क्वेश्चन ये है, मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है जो नेक्स्ट वीक के अंदर, जहाँ पे हमने कैश संभाल के रखा हुआ था, जो हमने पिक करना था लो के ऊपर, डिप्स के ऊपर, फरवरी के अंदर शायद
ये प्रोडक्शन आएगी। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा, क्या इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं या अभी अंदर रहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं स्टॉक? हाँ जी, यहाँ पर जो है ना, वैसे तो मैं रात को भी स्ट्रेटजी आपको फॉरवर्ड करूँगा, बहरहाल चले हमें भी बहुत से लोग रेगुलर सुनते हैं, उनके लिए भी यही है कि अगर तो आपके स्टॉक जो है, चाहे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं, अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो 70% आप उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, 70% स्टॉक्स आप निकाल दें उनके अंदर। अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर बराबर में भी हैं तो फिर भी आप उनको फिलहाल निकाल दें, 30% को रहने दें, फिर जब वो स्टॉक नीचे आएंगे तो उनका पैसा आपने उन्हीं में ही डालना है, ये तो वो आपको मौका देंगे थोड़ा नीचे आके आपने फिर दोबारा उनके अंदर, जहाँ आपने 1,000 खरीदे होंगे तो आप 1,100 खरीद सकेंगे, 1,200 खरीद सकेंगे, थोड़ा सा वेट कर लें, अगर मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट की करेक्शन लेती है तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक छोटी सी चीज है, कल फ्राइडे फर्स्ट सेशन में एक्सपेक्टेड है मार्केट का ऊपर जाना, मेरा प्लान ये है कि पहले सेशन में निकाल दूं, अगर सेकंड सेशन में अच्छा मिल गया डिप सही, नहीं तो नेक्स्ट वीक के अंदर ये डेफिनेटली सारे स्टॉक जिनका बनता है, जिनके आगे रोल ओवर वीक के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो सारे नीचे आने वाले हैं तीसरे वीक के अंदर, वहां से जाके हम दोबारा उठाएंगे। जी जी बिल्कुल, पहले टाइम कल जारी बात, आज मार्केट ने जो आखिरी टाइम क्लोजिंग दी उससे यही आसार है कि कल भी मार्केट का पहला सेशन जो है वो नेगेटिव ही नजर आएगा, ये बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है मुस्तकबिल क्या होना है, लेकिन आसार यही लग रहे हैं कि शुरू में हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी नजर आएगी। बहरहाल आपने यही करना है, जितने भी मेरे मेम्बर्स हैं आप लोगों ने अपना 70% जो है वो लॉस में कोई भी ना बेचे, कोई ना ये कहे कि जी मेरे लॉस में जा रहे मैं उसको बेचू नहीं, बिल्कुल भी पैनिक होके नहीं बेचना, हर वो स्टॉक जो पॉजिटिव है आप लोगों का प्रॉफिट में, और ये सारे अच्छे स्टॉक हैं, अगर आप ना भी बेचें तो फ्यूचर इनका सबका अच्छा है जो आपके साथ लिस्ट शेयर की गई है। ये बहरहाल 70% आप ऑफलोड करेंगे प्रॉफिट वाले, वो जरा नीचे आएंगे तो आप फिर मजीद उन्हीं के अंदर बाय करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा फायदा होगा, और लेने में फिलहाल जल्दी ना करें, जब मेरा आपको ग्रीन सिग्नल आ जाए कि आप मार्केट बिल्कुल ठीक होगी, आप दोबारा एंट्री बन रही है यहाँ पर, तो दोबारा बाय कर लेंगे। ठीक है फवाद भाई, थैंक यू सर। हाँ जी वेलकम। हाँ जी आसिम भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। हाँ जी आसिम भाई बोले। हेलो जी, जी आवाज आ रही है। जी जी नबील भाई, मैं थोड़ा सा ना टेक्निकल नहीं हूं तो मुझे जरा बता दीजिएगा कि मार्केट करेक्शन से आप लोगों की क्या मुराद है, मतलब ये क्या है। सेकंडली मुझे सर्ल और मेरिट के अंदर ना अभी लॉस चल रहा है जी। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेरी तो जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें ही लगी हुई है, अभी मैं मजीद कुछ और बाय नहीं कर सकता, तो बस ये सवाल है मेरे। ठीक है जी, करेक्शन का मतलब ये है कि पिछले जो हम देख रहे थे 3-4 महीने से मार्केट काफी ऊपर आई हुई थी, लोगों ने माल खरीदे हुए, अब मार्केट के अंदर जो है ना उन्होंने माल बेचना, जब माल बेचते हैं तो हम कहते हैं कि जी अब ये मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन आई है, जब वो माल बेच लेंगे जरी पता है, जो बेच रहे हैं तो कुछ ले भी रहे हैं, तो ये थोड़ी सी जो है वो मार्केट में मंदी आती है तो हम कहते हैं ये करेक्शन है ये। और जो है ना मेरिट और सेल आपने लिया हुआ, बिल्कुल आप इसको होल्ड करके रखें, बिल्कुल भी लॉस में नहीं बेचना आपने इनको, इंशाल्लाह ये जब दोबारा रिकवर करेंगे और आपका पैसा कहीं भी नहीं जाता, ये सारे अच्छे स्टॉक हैं, इनकी कोई टेंशन नहीं है। जी रियान अहमद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी नबी भाई, जैसे अभी आपने कहा कि जो प्रॉफिट जिसमें आपको प्रॉफिट है, मैंने एज ए इन्वेस्टर पॉइंट से रखे हुए अपने जो भी शेयर्स हैं, अभी आप कह रहे हैं कि जिनमें भी आपको प्रॉफिट है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, तो फौजी सीमेंट और मैपल लीफ में इस वक्त मैं प्रॉफिट में हूँ, तो क्या मैं उसको भी लिक्विडेट कर दूं? जी एक ही और जी दूसरा ये कि कल मैं आपकी वीडियो प्रॉफिट लॉस के प्रॉफिट वो क्या नाम है स्टॉप लॉस के ऊपर देख रहा था, तो उसमें आपने एक पॉइंट कहा था कि अर्निंग पर शेयर को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो उससे आप एक डिटरमिन कर सकते हैं कि शेयर की वैल्यू अंडर है कि ओवर है। अब यही फार्मूला मैंने रफान पे अप्लाई किया तो रफान का 650-650 और उसकी प्राइस 10,000 से ऊपर चल रही, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या क्या कौन सा साइंस है ये, तो ये जरा सा प्लीज थोड़ा सा बताएं क्या ये थ्योरी है। जी पहले नंबर पर जो आपने प्रॉफिट टेकिंग का कहा ना, प्रॉफिट तो लाजमी आप प्रॉफिट टेकिंग करें, यानी प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद फिर आपने कहीं और नहीं जाना, वही स्टॉक जब नीचे आएगा तो आपने वही स्टॉक दोबारा ले लेना, ये तो इससे आपकी एवरेज और डाउन हो जाएगी उस स्टॉक की, यानी कि आपने 40 का लिया हुआ तो वो 45 की एवरेज बन जाएगी, इस तरह बीच में आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, इसके ना कोई इशू नहीं है इसका। और बाकी जो स्टॉप लॉस का मैंने आपको, यानी कि वो जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं,
ये एक जेन्युइन सा यानी कि अपना मेरा यानी देसी सी कैलकुलेशन है, लेकिन जो स्टॉक ऊपर चले गए जैसे नेस्ले चला गया, रफान चला गया, ये होता ही है कि इनके जो पीर होते हैं ना पहले ये सारे स्टॉक इकट्ठे कर लेते हैं, जब आपके पास कोई स्टॉक बचता नहीं है तो ये इसको 6,000 8,000 10,000 पर ले जाते हैं और हम कहते हैं जी बड़ा ऊंचा चला गया, क्योंकि वो होता ही कुछ खास लोगों के हाथ में है ये, तो उन पर कोई फार्मूला नहीं लगता ये, यानी कि वो फार्मूला प्रूफ ये लोग होते हैं और ना स्टॉक भी फार्मूला प्रूफ होते हैं, इसलिए इन पर लगाए नहीं जाते ये वाले। जो सही ट्रेड हो रहे होते हैं उन पर ये हम लोग एक अज्यूम कर लेते हैं कि तकरीबन इसके करीब करीब इसकी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए। ये जी असलम मलिक साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं थैंक यू काजी साहब, साहब हजरात को बहुत बहुत सलाम। काजी साहब एक तो मुझे ये बताएं कि ये सिल्क बैंक की जो खबर थी ये क्या सही है, और क्या सिल्क बैंक जो है वो वाकई बिक रहा है, क्या पोजीशन है इसकी? दूसरा ये है कि कब से मैं ये सुन रहा हूँ कि मैपल लीफ में इन्वेस्ट करें, मैपल लीफ में इन्वेस्ट करें, ऑल दो मैपल लीफ में अभी मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैं कल उससे पायनियर सीमेंट और कुहाड़ सीमेंट से आउट हुआ था। अभी मैं देख रहा हूँ कि पायनियर सीमेंट और कुहाड़ सीमेंट डन बेटर देन मैपल लीफ, तो एक तो इसके बारे में बताएं और दूसरे मुझे ये बताएं कि ये जो ऑक्साइड है ये मैं होल्ड करूं अभी या इसको बेच दूं, क्योंकि अभी इतने प्रॉफिट में तो नहीं है, इसको क्या किया जाए? जी पहला क्वेश्चन जो है ना सिल बैंक का जो आप पूछ रहे हैं वो बिल्कुल उसकी खबर सही है, उसको फौजी फाउंडेशन वाले उन्होंने अपनी विलिंग शो किया कि हम इसको एक्वायर करेंगे, इसके कुछ जो है ना स्टॉक्स वगैरह, अब ये परसेंटेज उन्होंने बताया कि कितने परसेंट वो लेंगे, तो बहरहाल ये खबर बिल्कुल मुसद्दका खबर है, अभी ये पीछे जो है ना इनकी वेबसाइट पर भी, PSX की वेबसाइट पर भी ये आई थी ये खबर, तो ये ऑफिशियल है, इसका कोई मसला नहीं। तो सिल बैंक के आगे हम लोग देखेंगे कि मजीद आगे तेजी नजर आएगी जब ये मजीद हम ऐलान सुनेंगे कि अब उन्होंने एक्वायर कर लिया है, तो ये खबर बिल्कुल सही है, इसीलिए उसके अंदर वॉल्यूम भी आपको जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं ये। बाकी पायनियर सीमेंट और उसका आपने पूछा कुहाड़ सीमेंट का, पायनियर सीमेंट तो बहुत ओवर बोर्ड पोजीशन पर फिलहाल मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है मजीद भी ऊपर ये जाए, लेकिन ये अच्छा तब था ये जब 35-40 रुपए के करीब करीब था, अब ये काफी ऊपर चला गया है, फिलहाल हम इसको रिकमेंड नहीं करते। ये मैपल लीफ सीमेंट में बहुत गुंजाइश मौजूद है, इसको भी पायनियर के साथ साथ 120-125 रुपए का होना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा, ये भी इंशाल्लाह फ्यूचर में होगा, क्योंकि अभी इसका फ्लोट बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आप लोग छोड़ेंगे इसको तो फिर जब पक्के हाथों में आ जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये कहाँ चला गया ये। और कुहाड़ सीमेंट भी फिलहाल जो है थोड़ा ऊपर है, उसकी मैं स्टडी करके फिर आपको बता सकता हूँ कि वो भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ जी नहीं मैं सिद्दीकी साहब हैं सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। बस सर मेरे तकरीबन सवाल के जवाब आ गए हैं, बस मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए, और बस जब ऑफलोड करना हो तो बता दीजिएगा कि हाँ जी ऑफलोड करते हैं, खुदा ना खास कोई ऐसी पोजीशन आती है तो ये बता दीजिएगा, पैसेज कर दीजिएगा, जो भी तरीका हो आपका। चले जी कोशिश करें जो स्टॉक्स आपके प्रॉफिट में है उसके अंदर 70% उनको ऑफलोड करें, अगर मार्केट 2,000-3,000 की करेक्शन यहाँ पर लेती है जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं मार्केट के अंदर करेक्शन को, तो फिर आप वही स्टॉक दोबारा आपको थोड़े डिस्काउंट पर मिल जाएंगे, तो आपकी एक अच्छी एवरेज है उसमें बन जाएगी ये। जी मंसूर अली साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी शुक्रिया काजी साहब। भाई साहब बस वो काफी भाई और बाकी लोग भी बात कर रहे हैं मेपल लीफ की भी बाकी भी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हालांकि मुझे स्टॉक में सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन अदरीज भाई ने अमरेली स्टील के टाइम पे एक मशवरा दिया था कि जब स्टॉक को बहुत ज्यादा ऊपर जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कर लें, एक आधा दिन बाद नीचे आ जाता है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने शुरू में काजी साहब के कहने पर 43 रुपीज पे मेपल लीफ लिया था, जब पहली दफा ये 45 टच किया तो मैंने वहां पे इसको एक दफा सेल किया, मैंने 1.5 रुपया कमाया, और दोबारा अगले दिन ही वापस मैंने 1.5 रुपया सस्ता ले लिया। आज भी ऐसा ही हुआ, मैंने 47 पे बेचा और 44.5 पे मैंने जाते हुए 2.5 रुपए फिर कमाए इस पे, तो अब जब मैं अपनी एवरेज देखता हूँ इसको खरीदते हुए तो मेरी एवरेज तो 40 रुपए से भी कम आ गई है। तो शायद सब भाइयों को भी ध्यान रखना चाहिए, जब कोई चीज बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग तो गिवन है, जैसे अगर खुदा ना खासा मार्केट किसी वक्त 3,000 पॉइंट एक दिन में गिर गई तो यकीन करें हम में से कोई काजी साहब के मैसेज का वेट नहीं करेगा, वो पैनिक बाइंग में सेलिंग में चला जाएगा। तो शायद थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि वो मुरव्वत साहब भी हमें एक बात कहते रहे हैं कि भाई एक स्टॉक लेके हमने इन्वेस्टर बन के बैठ नहीं जाना, उसको चलाना है, तो चलाने का शायद मतलब यही है कि जब कोई चीज एक्सट्रीम ऊपर चली जाए एक्सट्रीम नीचे चली जाए तो कोई ना कोई क्विक एक्शन लेना है। तो बस गाइस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था, मैं तो अब मेपल लीफ में बहुत खुश हूँ, इसको 2-5 रुपए की मार भी पड़ जाए तो मैं फिर भी प्रॉफिट में। थैंक यू। जी बिल्कुल, यानी कि यही तरीका कार है आपकी एवरेज अच्छी बनाने का, 2-3 रुपए ऊपर जाए या इवन के जो हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट होता है 10-15% वाला, वहां पर लाजमी एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें फिर नीचे है फिर उसको ले लें, इसलिए आपकी उस स्टॉक की एवरेज बहुत अच्छी बन जाएगी ये।
बजाय इसके कि हम इसको बिल्कुल लेके बैठे रहे, वो भी यदि कि थोड़ा सा जो है। तो अगर आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाला जहन है, आपने 3 साल तक मार्केट को देखना नहीं है, तो फिर तो आप उसको पड़े रहने दें। फिर अगर आपने बार बार रोज मार्केट देखनी है, तो फिर इसका मतलब है आप प्रॉपर इन्वेस्टर नहीं है। फिर आप ये काम कर सकते हैं, तो आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है वो और भी बेहतर आपको एवरेज में पड़ जाएगा ये। जी रिजवान खान साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब और सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी काजी साहब, ये ISL का और अम्ब्रेला स्टील और ये जो INRIL है, इसका मतलब काफी नेगेटिव जा रहा है, इसका कुछ एडवाइस करेंगे? इसमें क्या फ्यूचर प्रोडक्ट कर रहे हैं आप कल और आने वाले दिनों में? जी रिजवान भाई, इस तरह ना INIL तो काफी ऊपर निकल गया, फिलहाल हम उसको रिकमेंड नहीं करते। ISL और अम्ब्रेला हमारी रिकमेंडेड लिस्ट में शामिल है। अभी जैसे बात हो रही है, अम्ब्रेला 47 पर आया है, आप इसको यहाँ पर बाय करें। अगर थोड़ा और नीचे आता है तो मजीद इसको बाय करें, थोड़ा थोड़ा नीचे 48-49 पर जाए, इसके अंदर आप लाजमी एक दफा फिर प्रॉफिट टेकिंग करें। अभी इसका आगे जाने का बहुत यदि चांस है ये। फिर इसी तरह इंटरनेशनल स्टील भी बहुत जबरदस्त रेट पर है, आप इनके अंदर ले सकते हैं। आगे फ्यूचर इनका भी बहुत अच्छा है। अभी हमारा स्टील सेक्टर चला ही नहीं है, अभी जब ये चलेगा स्टील सेक्टर, तो फिर आप देखेंगे ये सारे आपको यहाँ नजर ही नहीं आएंगे और वो ऊपर निकल जाएंगे ये हमारे। आयशा स्टील का भी बता दीजिएगा, आयशा स्टील के बारे में बस। आयशा स्टील जो है वो तकरीबन अभी अगर आ जाए 20-22 के करीब करीब जो है, लाजमी वहां पर आप उसके अंदर बाय करें। यहाँ पर ये 24-25 पर है मेरा ख्याल है, अभी आज का मुझे इसका रेट सही पता नहीं, अभी देख लेता हूँ। अभी भी 22.60 रुपए, अगर ये 20 के नीचे नीचे आपको मिल जाए तो ये समझे कि बहुत जबरदस्त रेट है, और जब ये 23-24 पर जाए तो आप इसके अंदर लाजमी फिर एक दफा जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें इसमें ये। जी राणा उमेर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर सर क्या हाल चाल है? ठीक है जी जी। मैं सर कल भी मेरा यही सवाल था जो आज हुआ है काम। मैंने मतलब पूछा ये चाह रहा था कि मैंने यही था, मैंने कहा चीजें बाद में अगर डिप में आती हैं तो ले लेने चाहिए वक्ती तौर पे सेल। खैर वो पता नहीं था, किसी को भी आइडिया शायद नहीं था कि आज ये मतलब वो हो जाएगी करेक्शन जो थी ड्यू। तो आपको क्या लगता है ये मतलब 2,500 पॉइंट की और करेक्शन हो जाएगी? अगर तो ये लगातार ऐसे होती है तो फिर तो शायद एक दफा निकलना चाहिए, क्या मशवरा देते हैं? जी जी बिल्कुल इसी तरह ही है, मार्केट बहुत ओवर बॉट पोजीशन पर थी, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप पता नहीं है इन्वेस्टर, हमें नहीं पता अब इन्वेस्टर क्या चाह रहा है, यानी कि होनी चाहिए करेक्शन, इसकी करेक्शन होगी, एक हेल्दी करेक्शन होगी ये वाली, और इसके बाद फिर हम मार्केट के अंदर रिदम देखेंगे। अगर ये 2,000-3,000 तक मार्केट 44,000 तक आ जाती है तो वहां पर हम फिर इसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी जो है वो एक रैली फिर देखने को आगे मिलेगी फ्यूचर में। ये आगे ये वैसे भी अभी सेनेट का इलेक्शन भी वो भी चल रहा है करीब करीब, और FATF वाला भी चल रहा है, तो उसमें यानी कि अगर ये करेक्शन हो जाती है और उसके बाद एक मार्केट रिदम लेती है और अच्छी सी खबरें आती हैं, तो इंशाल्लाह 50,000 पर भी जाएंगे ये। तो यहाँ पर आप 70% अपने, मैंने अभी बताया कि अपने जो प्रॉफिट वाले स्टॉक्स हैं उनको ऑफ लोड कर सकते हैं, लेकिन इसका पैसा आपने फिर इन्हीं में ही रखना है। वापस जब डिप पे आएंगे तो दोबारा आपने लाजमी थोड़े थोड़े करके बाय करना शुरू कर देना फिर उनको। जी अल्ताफ खान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। कई साहब मेरे 2-3 क्वेश्चन है, बस दो ही तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले तो मैंने वो निकल गया था उसमें से ना, टेली में से निकल गया था जब मैंने आपसे मैसेज किया था ना। ठीक है वो मैं 7 समथिंग निकल गया था मैं। तो दूसरा कोसम वगैरह वो CTM वगैरह ये तो सब WTL ये सिल्क ये सब होल्ड किए हुए हैं ना मैंने तकरीबन, अब मेरी बाइंग लेवल पे थोड़ा बहुत फर्क है, इतना फर्क नहीं है खास ना। ठीक है तो दूसरा मेरा इदरीस भाई से स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो टेली के बारे में, उन्होंने उधर बड़ा तफसील उस पे वो गाइड किया था ना, ब्रीफ किया था, तो अब वो कैसे देखते हैं इसको, उनसे पूछना चाहूंगा मैं गाइड लिए। और मेरे स्टॉक के बारे में आप क्या राय देते हैं, क्या करूं इनका स्टिल होल्डिंग? जी जी बिल्कुल, इनको आप होल्ड करके रखें, इनका कोई मसला नहीं। अगर ये कोसम और CTM नीचे और आ जाते हैं तो इनके अंदर मजीद ऐड करें, इंशाल्लाह ये आगे इनका वही फ्यूचर है जो आपको बताया हुआ है, मजीद इनके अंदर आप तेजी देखेंगे। तो टैली बस आप निकल आए, प्रॉफिट टेकिंग हो गई है, बस आप इसकी जान छोड़ दें, ये बहुत आप डबल पैसे हो गए आपके तकरीबन उम्मीद है, तो फिलहाल इसको छोड़ें क्योंकि ये ऐप बहुत रिस्की स्टॉक है। आज ऐसे नीचे आ गया ये ठीक ठाक, तो आपको मैंने बता दिया था कि 7 पर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, वो ठीक है, काफी प्रॉफिट में आप निकल गए। फिर अब बाकी इदरीस भाई इस पर करेंगे तबसरा। जी माजिद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये मैंने इक्विनिटी प्रोफाइल खोली हुई है शेयर्स की, तो इसके बारे में जरा मैंने पूछना था कि ये जब इक्विनिटी प्रोफाइल है इसमें जो ये मार्केट कैप कैपिटल है तो इसमें कमी पेशी हो रही है और बाकी शेयर्स जो हैं वो
उधर ही हैं, फ्री फ्लॉट भी, और ये जो फ्री फ्लॉट परसेंटेज होती है ये किस चीज को जाहिर करती है? हाँ जी, हाँ जी सर, चले मैं जवाब देता हूँ जी। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है उसको, जो इसका करंट रेट चल रहा होता है किसी भी स्टॉक का, उसको हम जो है इसके नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं फ्री फ्लोट वाले, उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे सामने जो है वो आ जाता है। ये अगर शेयर इसका ऊपर जा रहा है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसकी बढ़ेगी, सारी बात है उस कंपनी की वैल्यू भी उस शेयर से बढ़ती है। अगर शेयर नीचे आ रहा है तो उसकी वैल्यू भी कम होगी, तो यही हाल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते ही इसको है ये, तो ये स्टेबल ही रहती है, ये चेंज होती रहती है उसके शेयर की प्राइस के हिसाब से। जितना शेयर प्राइस डाउन होगा उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब, मैंने वीडियो बनाई हुई है इस पर, आप उसको देखें तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो का लिंक चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये। हाँ जी, काशी भट्टी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काशी भट्टी साहब, अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी नबील भाई, एक तो बताना है आपने, एक्सपेक्टेशंस बतानी है आपने उसकी कैपको के डिविडेंड की। नंबर दूसरा, मैंने कहा जो होल्डिंग रखी होती है हमने अपने अपने पास, उसको होल्डिंग को जब देखते हैं ऊपर जाती है फिर नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती, फिर हम ये सोचते हैं कि यार हम क्यों नहीं इसे घुमाते, इसको घुमाएं। पावर सीमेंट पड़ा हुआ है 4 साल से, 40-50 पैसे रोज ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता नीचे आता, हिम्मत नहीं पड़ती उसे ऊपर घुमाने की, ये बताइएगा। और नंबर दो, मैपल लीफ सीमेंट सारी इन्वेस्टमेंट उसमें करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। पायनियर सीमेंट में, पायनियर सीमेंट था 50 रुपये में, 40 रुपये में, वो उसमें अच्छा गेन कर लिया, उसमें निकल के आके मैपल लीफ में आ गया, पावर सीमेंट में आ गया। शुक्रिया सर। जी कैपको के बारे में आपने पूछा, कैपको आपको देगा डिविडेंड, इसका कोई इशू नहीं। पहले ये देता था तकरीबन साल में एक दफ़ा 4 रुपये, फिर एक दफ़ा 4.25 रुपये करके ये 8.5-9 रुपये तक पहुंचा देता था डिविडेंड। अब ये आ गया तकरीबन 4.5 रुपये के करीब इसका एनुअल डिविडेंड, मैं वो देख रहा था, तो वह डिविडेंड देता रहेगा। कंपनी का EPS बहुत अच्छा है, प्रॉफिट में कंपनी आगे मजीद अच्छी हो जाएगी, तो डिविडेंड तो इसका आना आता रहेगा, हर जो है ना एक क्वार्टर छोड़ के अगले क्वार्टर में, इस तरह करके ये देता है ये साल में 2 दफ़ा। और बाकी जो है बिल्कुल आप मैपल लीफ सीमेंट ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है, उसके अंदर आप होल्डिंग रख सकते हैं। पावर सीमेंट का फिलहाल आप मशवरा नहीं देते क्योंकि उसके अंदर कमाना बड़ा मुश्किल है, उसने आपको तड़पा के जब आप निकलेंगे तो फिर ही उसने चलना ही है। तो मैपल लीफ सीमेंट अभी नीचे आएगा 43-44 पर, आप इसको ले लें, आप 47 पर जाए फिर बेच दें, फिर 43-44 पर, अभी हम बात कर चुके हैं उस पर, अगर होल्ड करते हैं तो इसको होल्ड कर लें, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इंशाल्लाह आगे फ्यूचर इसका बहुत अच्छा। पायनियर की तरह, कुहाड़ सीमेंट की तरह इसने भी जाना, ये बिल्कुल बराबर की कंपनी है। हाँ जी मलिक असर साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी। जी मैं, मेरा क्वेश्चन है सिल्क बैंक के बारे में, और दूसरा मेरी एक दो रिकमेंडेशन है अगर आप कहें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज अकाउंट आ गया और मेरा जो है वो CDC अकाउंट भी आ गया है, तो नाउ आई एम रेगुलर मेंबर, तो आई विल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम टुमारो और मे बी 2-3 दिन में। तो एक सजेशन मेरी ये है कि मेरे दोस्त बाद कहते हैं कि जी प्रॉफिट टेकिंग करें, तो मैं इनको ये कहूंगा कि ऑलवेज अपने जो स्टॉप लॉस को मूव किया करें, और खुद ब खुद ही जो है ना वो हिट करेगा, इवन प्रॉफिट के ऊपर भी तो बढ़ाते रहे और वो मतलब प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। इस स्ट्रेटजी को कभी भी ना भूलें, मतलब ये है। और दूसरा ये सिल्क बैंक जो है वो बाय किया जाए या ना किया जाए, आप क्या कहते हैं? जी असद भाई, सिल्क बैंक अगर थोड़ा और नीचे आ जाता है, 1.50 रुपये से नीचे अगर आता है तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, आगे फ्यूचर इसका अच्छा है, और अगर इसे भी नीचे आपको मिलता है तो फिर तो बहुत ही डिस्काउंट पर मिल रहा है, आगे इसकी खबरें अच्छी हैं, बेहतर हो जाएगा। लेकिन साथ उस पर नज़र भी रखे हैं, स्टॉप लॉस उसका जहन में होना चाहिए कि कहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस भी उसका रखना है ये। जी कामरान बेग साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कामरान साहब अनम्यूट करें आप। चले आई थिंक नहीं है। जी मीर यकूब अली साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम, खैर करिया सर। अच्छा काजी साहब, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, आज तो इसका स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। ठीक है। मैंने 38.15 से 38 पे लगाया था। ठीक है। लेकिन 2000 मैंने रोक लिए, बाकी तो वो निकल गए सारे, हमें कहा ठीक ही हुआ वो निकल गए। थोड़ा सा मुझे सीमेंट सेक्टर का बताएगा कि डीजी खान सीमेंट का क्या कल प्रॉफिट
टेकिंग करूं, और दूसरा PIBTL के बारे में बता देगा। हाँ जी, DGKC अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो एक दफा लाजमी उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। जब ये दोबारा 115-16 पर आए, 12 पर आए, तो दोबारा इसके अंदर बाइंग करें, इसका पैसा इसी में रहने दें। और PIBTL बहुत अच्छा स्टॉक है, उसको रखी रखें, उसका कोई लॉस वॉस नहीं है, कोई स्टॉप लॉस भी उसका नहीं है। अगर आपके पास हिम्मत है, दिल है, पेशेंस है, तो PIBTL लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, ये कोई आपको नुकसान नहीं देगा ये। हाँ जी, आसिफ साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सॉरी, असल में यहाँ इस वक्त नमाज का टाइम था, तो मैं नमाज पढ़ने चला गया था, मगरब का टाइम सऊदी अरब में। अच्छा जी। अच्छा सर, मेरा थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा माजर से सर। एक तो ये कि यहाँ पे जो लोग हमारे इधर बाहर मुल्कों में रहते हैं, जो फॉरेनर्स हैं, एक तो इनके पास इतना सरमाया नहीं होता, सारे आपको पता है जॉब वाले हैं, सैलरी पर्सन है मोस्टली। तो एक तो ये वो शॉर्ट से अगर हमें आप बताएं, लॉन्ग टर्म 3 साल है, 2 साल के प्रोजेक्ट के बजाय कोई अगर 2 माह 3 माह 6 माह मैक्सिमम इस तरह का कुछ हो जाए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आप सिखाएं, क्योंकि मैंने आपको ज्वाइन इसलिए किया कि आपकी जो वीडियोस मैंने उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इससे पहले वो जवाद हफीज साहब थे माशाल्लाह, उनसे भी बहुत सीखा, लेकिन उनका इतना टेक्निकल वीडियो नहीं थी जितनी आप मुझे अच्छी लगी हैं। तो उनसे मैंने एक सुना भी था कि एक USA का कोई एक ड्राइवर था गालिबन, आपने आपको ज्यादा नॉलेज होगा, ब्रूस के नाम से, जिसने वहां पे सिंगल सिंगल बाइंग करके, शॉर्ट शॉर्ट बाइंग करके, तो बड़ा अच्छा वो उसने स्टॉक बना लिया था। कमरान भाई, मैंने सुन लिया तकरीबन आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अभी हमने बात कर चुके हैं ऊपर मैपल ईव सीमेंट के बारे में, हमारे मंसूर भाई ने बड़ा अच्छा आपको बताया, वही टैक्सी वाली की मिसाल बताई है कि अगर आप 43-44 पर लें, फिर आगे जाके फिर उसके अंदर सेलिंग करें, फिर नीचे फिर लें, होगा वो लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक ही, लेकिन उसकी एवरेज बहुत अच्छी बनेगी। अभी मरवा साहब ने हमें बार बार वही चीज़ स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश की है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर के लोगों के पास पैसा कम है, तो पाकिस्तानी भी कोई डॉलर और पाउंड शॉन्ड या रियाल नहीं कमाते, यहाँ पर भी पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो है ना काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक का मतलब ये नहीं होता कि आप लेकर भूल जाएं, आप छोटे छोटे उसके अंदर ट्रेडिंग करके उसका पैसा उसी में रख कर, अगर आप वीडियो देखें तो आपको इंशाल्लाह इसका जवाब बड़े तसल्ली से मिल जाएगा। और वो जो टैक्सी वाली मिसाल है, वो मिसालें यानी कि मिसाल के तौर पर ही हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि कैसे, अभी हमारे हमारे मंसूर भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, वो बिल्कुल सेम अप्लाई होता है उसी रूल पर जो जवाब सब बताते रहते हैं। जी आसिफ भाई, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम। जी वालेकुम सर, सवाल है, एक है सर वो ट्राईपैक फिल्म और सेंचुरी, अच्छा पेपर एंड बोर्ड, इन दोनों के सर जो है अभी मुझे ये बता दें कि अभी इनका क्या है, इसको रोकें छोड़ें क्या करें इसका? हाँ, ट्राईपैक, इसका सिंबल क्या है ट्राईपैक का सर? ये TRIPF। हाँ जी, लिया हुआ आपने ये? जी सर। हाँ, किस रेट पर लिया हुआ आपने? बस सर अभी भी थोड़ा सा है, प्रॉफिट है, अभी क्या करना है सर इसका, मतलब कि इसको रोकें इसको छोड़ें? इतनी साफ से मतलब कि इसका मतलब कि सवाल का जवाब चाहिए था। चलिए इदरीस भाई, फिर आपको लास्ट में इसका जवाब दे देंगे, और सेंचुरी पेपर का भी वो आपको बता देंगे, उन्होंने बताया भी था कल अगर आपने सुना हो। हाँ जी, इंजीनियर सलीम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर जी, मैं स्टक हुआ हुआ हूँ, वो TMCL में एंट्री ले ली थी कल 40,000 या 73 पे ना, तो आप मुझे इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए ये काइंडली गाइड कर दीजिएगा बस। जी इसको फिलहाल जो है ना आप होल्ड रखें, आज इसने लॉक भी अपना तोड़ा, उसका लॉक लगा नहीं है इसको, कल अगर ये बराबर में आता तो फिलहाल आप उसके अंदर से फिलहाल निकलें जब तक मार्केट सेट नहीं हो जाती, उसके बाद अगर ये दोबारा नीचे आता है 35-36-37 तक आप उसको ले लें, लॉन्ग टर्म इसका सिनेरियो बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं इसमें। जी मलिक मजहर साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम जी। सर वो मालूम करना था ये ट्रेलिंग लॉस, ट्रेलिंग बाय और ट्रेलिंग सेल जो होता है, बाकी काफी सॉफ्टवेयर्स में मैंने ऐसे देखा है कि ट्रेलिंग बाय और ट्रेलिंग सेल की ऑप्शन होती है, तो इसमें भी कोई ऐसी ऑप्शन है इसकी के सॉफ्टवेयर में, ट्रेडिंग बाय और ट्रेडिंग सेल की? नहीं सर, ट्रेलिंग ट्रेल होती है, मतलब अगर सॉफ्टवेयर खुद डिसाइड करता है कि अगर सेल पे आपने लगा दिया है और उसके आगे और भी ज्यादा प्रॉफिट उसमें है तो वो ट्रेल कर देता है
सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको जज करके ट्रेल करता है। जी सर, आइसक्रीम में तो फिलहाल ये नहीं है और मेरा नहीं ख्याल किसी और टर्मिनल में भी ऐसा है कि वो खुद ही आगे चलता रहे, क्योंकि अभी हमारा सिस्टम इतना एडवांस नहीं हुआ। बहरहाल हो सकता है फ्यूचर में अगर प्रॉफिट ऊपर जा रहा होता खुद से खुद ऑर्डर ऊपर चले जाए तो फिर तो ये भले भले हो जाए फिर। जी हामिद महमूद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और वेलकम भी दोबारा कर रहा हूँ। जी हामिद महमूद साहब, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल मैं लेट हो गया था ज्वाइन करते करते, दिलीप साहब जब बोल रहे थे उस वक्त मैं पहुंचा, कहीं बाहर जाना पड़ गया था। परसों जो दिलीप साहब ने एक बात कही थी वो बड़ी गौर तलब थी, लोगों ने शायद उसको पे गौर नहीं किया। उन्होंने आखिर में कहा था मार्केट की सिचुएशन बहुत खतरनाक है और लोग आई गॉट अलार्म्ड एट दैट टाइम, क्योंकि वो शायद उन्होंने ये सुन ली थी ये खतरे की ये घंटी। तो जी, मैंने रिसेंटली मैं ज्वाइन किया तो तकरीबन मेरे सारे शेयर वही हैं जो आपने कहे थे एक्सेप्ट मिजान। मिजान मैंने एक दफा आपकी प्रेजेंटेशन जो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, आपने कहा था मिजान इज एवरग्रीन, तो वो भी तकरीबन, तो मेरी तकरीबन ये जो अभी लॉसेज हुए इसमें मेरी तकरीबन इन्वेस्टमेंट का 6% तो डिक्लाइन है, तो बट आई हैव द कैपेसिटी आई कैन होल्ड, मुझे कोई मसला नहीं है। तो कितना इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर 2500 मार्केट नीचे जाती है तो कितना परसेंट मतलब नीचे जाएगा, वेट करना पड़ेगा एंड देन इट कैन कम बैक। जी चले जी सर, जो मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में से स्टॉक लिए हुए आपने, अगर आप उसको चले व्हाट्सएप पर मुझे शेयर भी कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं। बहरहाल सारे स्टॉक ही बहुत जबरदस्त है, अगर आपने मेरी लिस्ट में से मैपल लीव, नेशनल फूड, इसके अलावा और भी डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं लिए हुए, उनकी कोई टेंशन ना लें, जो ही मार्केट सेट होती है वो स्टॉक सारे पहले सेट हो जाएंगे, ये सारे सॉलिड कंपनी के आपके स्टॉक्स बताए हुए, कोई टेंशन परेशानी। अगर 5-10% 15% नीचे भी आ जाए तो वापस रिकवरी इंशाल्लाह जरूर होगी, इनकी कोई इशू नहीं इनका। जी मोहम्मद असद साहब, है क्वेश्चन हमारे पास कुछ ज्यादा है, ताकि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि सबकी बारी आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने की वीडियो मैंने देखी थी स्टॉप लॉस के मतलब आका स्टॉक, तो ये जो है ना ये अस्करी, प्लीज अस्करी एप्लीकेशन पूरी पे एक वीडियो बना दें जिसमें शुरू से ये रिड्यूस वैल्यू, मार्जिन वैल्यू, ब्लॉक कैश, फ्री कैश, ये सारा पूरे थोड़ा सा जो मेन मेन इसके हिंट। चले ठीक हो गया सर भाई, इस तरह ना अभी अस्करी सिक्योरिटी का एक नया टर्मिनल आ रहा है कुछ ही दिनों में, बस ये तकरीबन आ गया यहाँ पर इनके अपने ऑफिस में, बस आप लोगों को देना है, जो ही आता है तो उस पर एक डिटेल वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी राव आबिद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी जो मूविंग एवरेज की वीडियो देखी उसकी कोई कीमत नहीं। तो सर सवाल ये है कि उस मूविंग एवरेज में आपने बताया जो कैंडलस्टिक ग्रीन बनी है तो उस वक्त लेने फौरी जो उसके ऊपर बने, लेकिन एक ग्रीन कैंडलस्टिक वो अगर हफ्ते से बन रही हो दरमियान में हम लें या ना लें, और नीचे करेक्शन की वजह से नीचे आ जाता है फिर हम उसे बेचें या ना बेचें। और दूसरा सवाल सर ये वो ऐसे था कि आपका तो एक्सपीरियंस और आपने डे ट्रेडिंग के बारे में बताया कि ये नहीं करनी चाहिए शरिया के लिहाज से, तो आप गैर शरिया स्टॉक में करते हैं इन्वेस्ट, तो उसका क्या तरीकेकार है आपका? जी चले दो सवाल आपके हो गए। जो कैंडल स्टिक का मैंने बताया उसको आप गौर से सुने, उस यानी लाइन से ऊपर जब वो स्टिक बनना शुरू हो जाए तो आप उसी टाइम बाय करें, जब ये थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर उसके अंदर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी पड़ती है अगर जो ही रेड शुरू हो जाती है ये। और जो है ना मैं तकरीबन गैर शरी स्टॉक उन्हीं को कहता हूँ जो नजायज किस्म का काम करते हैं, मेरे नज़दीक सिर्फ वही गैर शरी है, बाकी मैं सारा शरी समझता हूँ। अगर कोई कंपनी वक्ती तौर पर आप उसको पैसा नहीं देते और बैंक से वो लोन ले रही है तो मेरे लिहाज से वो गैर शरी नहीं है, वो शरी है। ये कल को उसको लोन खत्म हो जाएगा वो शरी में आ जाएगी, फिर आप भी उसके अंदर डालना शुरू कर देंगे। हर एक की मजबूरी है बैंक से कर्जा लेना, क्योंकि हमारे लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, डरते हैं स्टॉक मार्केट से, तो आप लोग डरेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे, इन कंपनीज को पैसा नहीं देंगे तो ये कैसे कंपनीज चलेंगी, फिर इनको बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा और इस कर्जा लेने की वजह से कर्जा हम लोग भी लेते हैं, गवर्नमेंट वाले जो हैं हम HBA अपना हाउस बिल्डिंग निकलवाते हैं उस पर भी हम कर्जा देते हैं, कार एडवांस निकलवाते हैं उसमें से भी हम सूद देते हैं, तो हम सारे गैर शरी हो गए। तो मैं उसको तकरीबन अपने लिहाज से मैं नहीं मानता, बाकी आप बेशक उसको माने, मेरा अपनी जाती राय है उसके बारे में। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि अगर हमारे सारे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह हमारी कोई भी कंपनी जो है वो गैर शरी नहीं होगी, जो जायज़ कारोबार कर रही है ये, जो नाजायज़ कर रही है तो वही गैर शरी। मैं इसीलिए आपको कभी भी इंश्योरेंस कंपनीज का
इवन के बैंक्स का भी, इवन के मरी ब्रूवरी का भी कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप ऐसे कंपनीज के अंदर डालें जिसमें थोड़ा सा शक होता है कि इनके कारोबार जो है ना वो सही नहीं है। जी अमाद भाई, काफी दिनों के बाद ज्वाइन किया, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सर जी। सर जी, अदरीस भाई ने जो कल खतरे की बात की है, तो वो अभी ये है कि इस करेक्शन, इतनी सी करेक्शन के बाद अदरीस भाई एंड पे बता दीजिएगा कि वो कितनी न्यूट्रल हो गई है। तो और बाकी सर, वो एडीएमएम लेके मैं फंसा हुआ हूँ, तो नबील भाई उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। और कोसम जो है वो भी 4.90 पे लिया हुआ है, आपने दोबारा जब वो रिकमेंडेड लिस्ट में ऐड किया था, जब आपने उसका बैंक जोन जो है वो 5 तक जो है वो रिकमेंड किया था, तो 4.9 पर जो उसको लिया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। होल्ड करना फिर उसको, भूले रहे उसकी तिजोरी बंद किए रखें, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। चले ठीक हो गया। जी अमाज भाई, एडीएमएम आपने फिलहाल बेचना नहीं है, वो बहुत अच्छा स्टॉक है, आगे आपका जो भी अगर थोड़ा बहुत लॉस दे रहा है वो कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं उसका। और कोसम आपने एक दफा उसमें से 28% की जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की, अभी ये 10% थोड़ा नीचे आया, तो वो आप जो एवरेज बन गया 15-16% का प्रॉफिट अपने जहन में रखें कि आपको अभी भी मिल रहा है उससे, तो बहरहाल फ्यूचर में ये और भी अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अगर 4.30 से नीचे आता है तो मजीद इसके अंदर ऐड करें, या इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी इफराज बुखारी साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, खैर करिए सर। काजी साहब, एसटीपीएल के बारे में पूछना था। मैपल लीव में तो सबने दिखाना ही है मतलब पेशेंस, बट एसटीपीएल में भी पेशेंस दिखाया जा सकता है? जी जी, एसटीपीएल मेरी रिकमेंडेड लिस्ट में शामिल है, आगे उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कल भी हम बात कर चुके हैं कि उसका नया कॉन्ट्रैक्ट उसको मिले, इंशाल्लाह आगे उसके अंदर बहुत ग्रोथ आप देखेंगे। जी राणा अर्शद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी राणा अर्शद साहब, अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसा साहब, शुक्रिया, आज मेरी फर्स्ट इसमें प्रेजेंटेशन है। तो कैसा साहब, एक तो मैंने WTL के बारे में पूछना था, दूसरा ये पूछना था कि जो स्टॉप लॉस है इसका कोई पेट फार्मूला होता है या हर एक का आपसे पूछना पड़ेगा, करंटली ये बताइए। जी बिल्कुल, WTL जो है फिलहाल अभी वॉल्यूम लीडर्स में जा रहा है, फिलहाल तेजी है उसके अंदर। बहरहाल स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए, स्टॉप लॉस जो है वो देखना पड़ता है कहाँ पर उसको लगाना है। अगर आपने मेरी रिसेंट जो वीडियो थी टेक्निकल्स की वो देखी हो, जिसमें मैंने जो है वो समझाया हुआ है इच्छी मोको वाली, आप उसको देखें लाजमी, उसमें स्टॉप लॉस का भी मैंने तरीका बताया कि कहाँ पर स्टॉप लॉस किसी भी स्टॉक का बनता है ये। तो इंशाल्लाह वो आप जरा गौर से देखेंगे, 2-4 दफा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया जाता है। जी सोहेल भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सोहेल भाई, अनम्यूट करें आप। आई थिंक नहीं है। जी तारिक भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैं फर्स्ट टाइम आपका देख रहा हूँ प्रोग्राम, तो मैं तकरीबन 3 महीने इसमें हूँ स्टॉक मार्केट में। जी जी, तो मेरा सवाल, जी मेरा सवाल ये, मेरे पास तकरीबन 10-11 लाख रुपए, 5.5 लाख तक मैं लगाया हूँ बीच में, तो आपने बताते रहे हैं ना, मैं आपको सुन सुन के ना मैं इसमें लगाए हुए हैं पैसे, तो 10 लाख है मेरे पास, बताएं मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं। जी तारिक भाई, आपका यानी कि बहुत बहुत यानी कि आपको वेलकम मैं करता हूँ। जितने भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम अभी ज्वाइन किया, उन सबको जो है मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ, आप इस तरह ज्वाइन किया करें। बहरहाल आपको मैंने स्टॉक की लिस्ट शेयर की हुई है आपके साथ, उसमें जो भी बाइंग जोन में या बाइंग जोन से नीचे अभी मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन होगी, तो मजीद स्टॉक्स और भी डिस्काउंट पे आ जाएंगे, तो फिर आप एक दफा मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आप ले सकते हैं। मेरी लिस्ट में से जो भी स्टॉक आप ले, कोई इंशाल्लाह उसको प्रॉब्लम नहीं होगी ये। जी लियाकत अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी? आज तो धुएं निकाल दिए। ओ सर, ये तो लगा है आपको पता अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं मेरा क्वेश्चन जो है ना TGL और CEB सेंचुरी पेपर पे है जी, आया कि ये क्योंकि 52 वीक्स में इसने TGL ने 117 हाई किया है और अब 97 तक आज गया है और 93 इसने लो किया है,
क्या इसमें फ्रेश बाइंग जो है वो प्रोविजन बनती है इसकी, जी। और दूसरा यही सिचुएशन है सीईबी की, 132 इसने हाई किया है 52 वीक में ना जी, तो क्या ये दोनों में फ्रेश बाइंग, क्योंकि मुझे लगते हैं ये सेफ हैं, इनकी मीटिंग भी आ रही है 17 को जी जी, इन पे जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। चले जी, जो है ना तारिक क्लास बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, ये तकरीबन आपको 85 से लेकर 95 के दरमियान जहां पर भी मिलता है आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ स्टॉक है, बहुत जबरदस्त कंपनी है, प्रॉफिट में भी जा रही है। अगर आप वैसे भी हौसले वाले बंदे हैं और प्यार और मोहब्बत करने वाले बंदे हैं स्टॉक के साथ भी, आप इसको रखें इंशाल्लाह, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा। और यही हाल सेंचुरी पेपर का भी है, लेकिन जो कमजोर दिल वाले हैं वो फिलहाल सेंचुरी पेपर ना लें, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई पर है, आगे मजीद इसने ऊपर भी जाना है। लेकिन अगर यहाँ पर ये रुकता है तो वो छोटे दिल वाले फिर वो गिला शिकवा शुरू कर देते हैं। दोनों स्टॉक बहुत जबरदस्त है, रखने वाले हैं। और सेंचुरी पेपर अगर आपको 110 रुपए से लेकर 120 रुपए के दरमियान जहां जहां पर भी मिलता है आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हैं, इनका कोई इशू नहीं है ये। बाकी इदरीस भाई भी इस पर रोशनी डाल देंगे, बल्कि उन्होंने कहा हुआ सेंचुरी पेपर अगर ये डबल ना हो तो, उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा हुआ था पिछले जूम सेशन में, आप दोबारा भी वो रिपीट कर देंगे। जी मुदस्सर हुसैन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, मैंने आज मुगल और TMCL वो तो बेच दिया सर टाइम पे, उस पर प्रॉफिट टेकिंग होगी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी होगी। अभी मैं इस कंडीशन में फौजी फूड, फौजी सीमेंट और अमरेली स्टील में पैसे लगा सकता हूँ, परचेजिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? जी ये जो आपने मुगल लिया हुआ है ना, कोशिश करें मुगल का पैसा मुगल में रहने दें, जब वो थोड़ा नीचे आए फिर उसके अंदर बाइंग करें, क्योंकि बहुत अच्छा स्टॉक है, इसने भी ऊपर जाना है, फ्री फ्लोट इसका कम है अमरेली की नस्बत, अमरेली का फ्री फ्लोट थोड़ा ज्यादा है, उसको चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुगल को चलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप अगर 2-4 दफा इसमें स्विंग लेंगे तो आपकी एवरेज बहुत अच्छी इसकी बन जाएगी और फ्यूचर में आपको ये बहुत डिस्काउंट रेट पर यानी पड़ जाएगा फिर, तो कोशिश करें इसका पैसा इसी में रखें, इंशाल्लाह आपको ज्यादा फायदा होगा ये। हाँ जी मुजफ्फर हुसैन साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी काजी साहब कैसे हैं? खैरियत सर। सर मैंने आपको मैसेज किया था जब MCPL जो है ना वो 47.30 पे चल रहा था, तो उस टाइम पे मैं एक्चुअली प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहा था, तो फर्स्ट टाइम जो है ना प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी, पहले जो सब लेके होल्ड रखे हुए हैं ठीक है, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था प्रॉफिट टेकिंग का, तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि ये शायद ऊपर निकल जाए या फिर इसको स्टॉप लॉस लगा दूं, तो उसमें आपने जरा रिप्लाई नहीं किया, शायद आप बिजी होंगे, तो इसका या तो फिर आप स्ट्रेटजी कुछ ऐसी बता दें जिसमें हम स्टॉप लॉस जो है ना अगर आप बिजी हैं तो हम खुद ही लगा रहे हैं, तो इसमें थोड़ा रनमाई था। निशाद यूनियन पावर है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ये फिर भी आगे ठीक हो जाना है, इसका कोई इशू नहीं, आपको दोबारा प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलेगा, तो कोशिश क्या करें जहां पर आपको, अगर आपने वो स्टॉक, मैंने शुरू शुरू में आपको मैसेज आ जाता है सुबह सुबह, जहां पर आपको अगर आपने वो स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है, डे ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है उसको लाजमी आप प्रॉफिट टेकिंग करें। सुबह में इतना लंबा आपको 1.5 मिनट का स्पेशल मैसेज आता है मेरे पास, मेरा आपकी तरफ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रही है, सुबह बनेगी रेजिस्टेंस और लाजमी प्रॉफिट टेकिंग, तो कोशिश क्या करें जहां पर प्रॉफिट टेकिंग बनती है वहां पर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग क्या करें। जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो मैं उनके लिए अलग बता भी देता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं वो अपने दिल संभाल के रखें, उनका कोई इशू नहीं है, जो छोटे मोटे गर्म खून वाले हैं वो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग कर लिया करें, मेरा इंतजार ना किया करें ये। हाँ जी सैयद जवाद भाई, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम जी। काजी साहब वो कैपको का पूछ रहा था, उसमें प्रॉफिट तो है लेकिन आज वो 2 रुपए कम हो गया, तो अभी मतलब अगर कल कम होता है तो क्या मैं बेच दूं या फिर रहन दूं? बेशक उसके पैसे उसी में रहने देते हैं लेकिन प्रॉफिट अभी हो रहा है, तो क्या कहते हैं? चले बस आप अभी सवाल भी बहुत ज्यादा अभी नजर आ रहे हैं मुझे। जी जवाब भाई कैपको हो सकता है कल फिर करेक्शन है, क्योंकि ये पीछे इसका एक बुलिश ट्रेंड था, 3600 से ऊपर ऊपर जा रहा है ये, हमने 3600 पर रिकमेंड किया हुआ था, यहाँ पर इसके अंदर करेक्शन मौजूद है, आप कोशिश करें पहले टाइम इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, लेकिन इसका पैसा फिर आपने इधर ही रखना है ये, जो ही नीचे आता है तो थोड़ा थोड़ा करके आपने फिर बाइंग इसके अंदर डाल लेनी है, जो ये 41-40 के राउंड अबाउट आएगा आप इसमें एक पूरी एंट्री ना लें, 500 लें फिर नीचे आए 500 फिर इसका 1000 करके इसके अंदर एंट्री डालते रहें और इंशाल्लाह फिर आपको ज्यादा इसकी अच्छी एवरेज बन जाएगी। जी यासिर भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर एक तो ये कि फौजी मैंने 2650 पे बेच दिया था, तो दोबारा इसमें कब एंट्री लेनी है? और सेकंडली ये है कि मैंने
जब 23 पे आया आशा स्टील तो वो भी बाय कर लिया, तो काइंडली बता जी। हाँ जी, फौजी फूड का पूछ रहे पहले जी, सॉरी फौजी सीमेंट 2650 पे बेच दिया था जी, दोबारा कब बाय कर? अभी उसके अंदर बुलिश ट्रेंड मौजूद है, जब ये दोबारा 23-24 पर आए तो लाजमी इसके अंदर आपने जो है ना इसके अंदर एंट्री लें। ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आज भी अच्छा रहा है ये और आगे फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा। और आशा स्टील के बारे में बता चुका हूँ, आप इसको वीडियो को दोबारा यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा ये। हाँ जी सियाउल हक साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मेरे क्वेश्चन का आंसर तो मुझे मिल गया है, बस वो आपको बताना था कि आपको दोबारा पीछे खड़ा कर लिया मैंने। वो समटाइम्स घर पे होते हैं तो मोबाइल पे वो आपको नहीं खड़ा कर सकते, मोबाइल पे नहीं बैकग्राउंड आता, तो ऑफिस में फिर आप पीछे ही होते हैं सर। चले हर जगह मैं आपके पीछे ही हूँ, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें। जी मुसद्दक अहमद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, खैर खैरियत सर। अच्छा मैं जल्दी से सवाल कर लूं, हाथ काफी खड़े हैं। दरअसल अमरेली स्टील को मैंने एवरेज किया है थोड़ा नीचे, तो मैंने आपसे ये पूछना था कि जब एवरेज कर लिया जाए तो आपको एक लोअर रेट मैथमेटिकली मिल जाता है, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो आपके दो लॉट्स अलग अलग होंगे, मतलब जो आपने हायर प्राइस पे लिया वो अलग बेचेंगे और लोअर प्राइस वाला अलग बेचेंगे, क्या ऐसे है? जी चले एक ही सवाल लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, आपने अगर उसको एवरेज कर लिया तो एक ही आप मिक्स हो गया सारा, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना मुख्तलिफ किस्म के जो है ना, एक ही टाइम में स्वीट भी और जो है ना मसाले वाला भी पेट में जाकर सब बराबर हो जाता है। तो इसी तरह जब आप मुख्तलिफ एवरेज के स्टॉक लेते हैं ना, तो कुछ ब्रोकर के पास ये ऐप होगी कि वो अलग अलग आपको शो करेगा कि कौन सा महंगा वाला कौन सा सस्ता वाला, तो ज्यादातर ये कॉमन है कि आपने इसको एवरेज कर लिया तो आपको पता चल गया कि ओवरऑल एवरेज मेरी ये बन रही है तो यहाँ पर मैं इसको बेचूंगा तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट है, ऐसे यानी काम चलता है ये। जी मोहम्मद जमील साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। 1998 से मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरा अदरीस भाई को एक तो सलाम है, दूसरी बात यह है कि अगर उन्होंने सेंचुरी पेपर के बारे में कह दिया तो उनकी बातों से हमें मजा आता है, हौसला मिलता है और अच्छी बातें, यानी उनके इसका प्रॉफिट होगा तो कोई उनसे नहीं पूछेगा, अगर खुदा ना खासा ये इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो ये अदरीस भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह हमें हौसला देते रहे, लोगों की बातों में ना आए अगर कोई ऐसा कर भी दे। थैंक यू वेरी मच। चले बहुत अच्छा जी, इसी तरह ये हम एक फैमिली की तरह है, प्यार मोहब्बत है हमें और ऊपर नीचे ये मार्केट लगी आती है, इसलिए मैं डिस्क्लेमर भी साथ साथ लगाता हूँ। नफा नुकसान हम देने वाले नहीं है, नफा नुकसान अल्लाह आपको देता है, हम अच्छे मशवरे दे सकते हैं, अगर आपके नसीब में प्रॉफिट हुआ तो इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा, कोई भी नहीं छीन सकता ये आपसे। जी साकिब अरफाज साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी साकिब अरफाज साहब नाम मेरे पास शो हो रहा है, आपको अनम्यूट करो मैं। जी वालेकुम सलाम जी। काजी साहब मैंने पूछना था, मेरे पास चार ही स्टॉक हैं, गैटे में एसटीपीएल है, सरले है और मैपल लीफ है, और चारों माइनस में है, तो अगर मार्केट नीचे आती है 2000 पॉइंट तो मैं इनको बेच दूं कल या वेट करूं? जी साकिब भाई ये चारों सोना स्टॉक है आपके पास, इनका पैसा आपने इसी में रखना है, अगर आप इसको वक्ती तौर पर बेच भी देते हैं तो ये ना हो कि सरले का पैसा किसी और में डालें, इनका पैसा आपने इन्हीं में ही रखना है, ये थोड़ा नीचे आए फिर पोजीशन ले लेनी है, लेकिन इन स्टॉक को छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, इंशाल्लाह आप फ्यूचर में देखेंगे कि ये कहाँ जाते हैं ये। जी साकिब हबीब साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब एंड अदर मेंबर्स, सब कैसे हैं? जी जी सब खैर खैरियत है सर जी। ये FFL जो है ये जब से रिकमेंड हुआ था उसके बाद ये अभी मेरे सामने मैंने ओपन किया हुआ है, इसकी सारी रेड कैंडल्स ही और इसकी जो बोलेंजर बैंड की वो जो लोअर लाइन है उससे भी नीचे अब ये ट्रेड हो रहा है जी। तो अब इसमें मजीद एक्युमुलेट करना चाहिए, इसको रखना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या क्या? और इसके अलावा जो NRSL है आज उसको लोअर कैप तकरीबन लगी है, तो उसमें मजीद एक्युमुलेट करना चाहिए या अगर है तो उसको पहले निकाल देना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी FFL जो है बिल्कुल अपनी एकोमोडेशन जोन पर आई, यहाँ पर एकोमोलेट हो रहा है और ठीक ठाक एकोमोलेट हो रहा है, यहाँ पर 16 रुपए से लेकर 20 रुपए के दरमियान जहाँ पर भी आपको मिलता है इसको आप एकोमोलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको दिल रखना है, हौसला रखना है, जो इसके पीछे ग्रुप है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, इंशाल्लाह फ्यूचर में आप इसको भी जब तेजी देखेंगे तो ये आपके हाथ में ही नहीं आएगा क्योंकि ये पक्के हाथों में आ चुका होगा उस वक्त ये, तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि इसको होल्ड करके रखें। NRSL में अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग मिल रही है तो लास्ट में प्रॉफिट टेकिंग करें, जब ये 11-12 रुपए पर आ जाए तो दोबारा इसके अंदर बाय कर लें, कोई इशू नहीं है इसका, आगे फ्यूचर वही है, टारगेट आपको दिए हुए जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उसने वहां तक जाना ही जाना है ये।
हाँ जी तनवीर यूसुफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी तनवीर भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट करें आप। चले आई थिंक नहीं है जी। इमरान रफीक साहब है आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने ये पूछना है कि जैसे आज मार्केट ने थोड़ी करेक्शन ली है, अगर मजीद मार्केट करेक्शन लेती है तो मैंने मेपल लीफ और अमरेली लिया हुआ है, तो ये कहाँ तक इसका स्टॉप लॉस रखें, मतलब कहाँ तक इसको जाके बेच दें फिर, मतलब इसको मजीद फिर ना होल्ड करें। चले जी अमरेली स्टील जब तक 38 रुपए से नीचे नहीं आता इसकी कोई टेंशन नहीं है, और इसी तरह मेपल लीफ भी जब तकरीबन 40 रुपए से नीचे नहीं आ जाता इसकी कोई टेंशन नहीं है, ये इसके स्टॉप लॉस है। उम्मीद नहीं है कि यहाँ से भी ये नीचे आएंगे, और अगर नीचे आ जाए तो ये समझे मुफ्त है यहाँ पर ही। जी सुहेल भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी सुहेल भाई बोले। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन, जी जी मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स तो ऑलमोस्ट मिल गए हैं, लेकिन मेरा एक फिर भी छोटा सा सवाल है कि ये जिन्हें ट्रेंड लाइंस दिखाई हैं मार्केट के हिसाब से केएससी में भी और बाकी में, तो ये सारे डाउन ट्रेंड है ना इस वक्त, और ये तकरीबन अपनी सपोर्ट्स तोड़ चुके हैं, तो क्या इस वक्त इनमें से एग्जिट नहीं कर देना चाहिए हमें, अगर पूरे भी हैं लॉस में भी है थोड़ा बहुत तो एग्जिट कर दें, और जब दोबारा ये किसी नए लेवल पे आके इनको दोबारा बाय किया जाए। जी सुहेल भाई यही अभी इतनी देर से हम यही तकरीर कर रहे हैं, आप 70% इसको ऑफ लोड करें, कोई बराबर में है प्रॉफिट में इसको निकाल दें, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस है तो बिल्कुल भी ना निकालें, क्योंकि दोबारा रिकवर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसका। इसको आप सुने इंशाल्लाह आपको ये जवाब मिल जाएगा यूट्यूब पे जब ये आ जाएगा। जी जुल्कनैन भाई है आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर आज मैं मेरा फर्स्ट डे है, आपने मुझे आज ही ज्वाइन किया है और आप ही की प्रोवोकिंग से मैंने ये शुरू किया काम, तो बस सर मुझे कोई 10 रुपए से नीचे नीचे वाले स्टॉक जो बिस्मिल्लाह करूं मैं स्टार्ट लूं, इससे कोई रिकमेंड करें कि अब आफ्टर ये जो डिप के बाद मैं करूं, आफ्टर मंडे करूं या आज कल या कल ही कर दूं, काइंडली बस रहनुमाई करें आप बिस्मिल्लाह करनी है, अभी तक मैंने कोई स्टॉक परचेज नहीं किया, टुडे इज माय फर्स्ट डे। चलें बस आप फिर मिठाई का बंदोबस्त करें फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह भी करवाते हैं आपको। आपको नूर स्पिनिंग जो है कोसम है KOSM 4.30 पैसे से नीचे मिले आप इसको ले रहे हैं। WTL जो है अभी हम इसको थोड़ा बहुत रिकमेंड कर रहे हैं, यानी इसके अंदर बहुत तेजी है, थोड़ा सा ये भी आप ले सकते हैं इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में जो है ये अच्छी नजर आएंगे, ये दोनों स्टॉक फिलहाल रख लें। और CTM है 7.50 रुपए से नीचे नीचे जहाँ मिले आप इसको ले लें, कोई इशू नहीं, ये अच्छे रखने वाले स्टॉक हैं ये, ठीक है। और जब फायदा होगा तो फिर आपने हमें मिठाई खिलानी है जरूर भी। जी नियाज़ुर्रहमान साहब है आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील साहब, क्या हाल है, खैरियत से? नबील साहब असल में मेरे जितने भी स्टॉक है वो तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो आपके लिस्ट है उसी के मुताबिक है, लेकिन आज मैंने जो है टेली को एकमोलेट किया तकरीबन अराउंड 57 रुपए तक, तो उसमें मुझे काफी लॉस हो रहा है, तो उसको मैं होल्ड रखूं या उसको भी उसी लॉस को एक्सेप्ट कर लूं, क्या करना चाहिए? जी चलिए ये भी आखिरी आपका सवाल जो है इदरीस भाई से सुनते हैं, उन्होंने टेली पर भी थोड़ा तबसरा करना है। जी इदरीस भाई आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन तकरीबन खत्म हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज मैं तो सारा दिन बिजी रहा, मैं तो आज मार्केट को टच भी नहीं किया, लेकिन अभी मैंने आके एक आधा घंटा पहले ये सारी चीजें देखी हैं, तो ये तो साफ नजर आ रहा था। आज मैं इनको बता देता हूँ गुरकी बात, जब सेकेंड टीयर चलने शुरू हो जाते हैं, एक एक दो दो रुपए वाले शेयर जब चलते हैं तो आप समझ लें मार्केट में प्रेक्षण भी हो गई है, आने वाली है किसी वक्त भी आ सकती है। वो तो नज़र आ रहा था कि घोड़े तो दौड़ते हैं, फिर वही बात के गधे भी दौड़ने लगे थे। अच्छा आप जो है ये जो WTL के अंदर आज पहले तो इसका एक लेटर आया SECP का मोनोग्राम के साथ कि जनाब इसको सस्पेंड कर दिया गया है, अब फलां डेट को इसको ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी, उसके बाद ये एकदम नीचे आ गया, उसके बाद जनाब वाली दोबारा उसका एक लेटर आ गया WTL की तरफ से कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा अब होता ये है कि इसी किस्म की रूमर्स चल रही होती हैं और इस पर शेयर किए जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि इनको रोकने वाला कोई नहीं है, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि किसने लेटर जारी किया कहाँ हुआ, जब तक लोगों का बहुत लॉस हो चुका होता है। अभी एक साहब ने पूछा कि टेली कार्ड के बारे में, तो मेरा तो मशवरा उनको ये है कि आप इसके अंदर दोबारा एंट्री ना लें, क्योंकि आज जो है ना सुबह 7.89 दिखा कर दोबारा ये 6 रुपए पे आ गया था,
तो ये लोगों को जो है ना देख लेना चाहिए कि ये कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है। अल्ताफ भाई ने पूछा था कि जी मैं तो निकल गया, अगर मुझसे वो मशवरा करते तो मैं उनको 789 पे निकाल देता कि आप फौरी तौर पे यहीं पर निकले, आपने वेट तो करना ही नहीं है। लेकिन कल भी मैंने उन्हें कहा था, लेकिन वो शायद मेरी बात को ना समझ सके। तो इसमें होता ही है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जब ये मार्केट गिरने लगती है तो ऐसे शेयर जो होते हैं ना मार्केट को डूबो जाते हैं, फंस जाते हैं दूसरे लोग। अब क्या हुआ, आज जरा बड़ा शोर मचा हुआ है कि कराची स्टॉक मार्केट में 1 अरब का कारोबार हुआ है। अब 1 अरब में देखें तो सही कि हैं कौन से, दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा जी 1 अरब का कारोबार हो गया, 1 अरब 12 करोड़ का हुआ, लेकिन वो है क्या चीज। तो ये तो सब चीजें नजर आ जानी चाहिए। अभी एक साहब पूछ रहे थे, मेरा ख्याल उनका नाम आरिफ है, आसिफ है, कि सेंचुरी पेपर के बारे में पूछ रहे हैं। तो सेंचुरी पेपर बड़े अच्छे रेट पर आ गया भाईजान, आप इसको यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसी तरह जो है हमारे सबसे बड़े जो नईम सिद्दीकी साहब हैं, हमारे बड़े भी हैं, वो अभी तक यही पूछ रहे हैं कि मुझे बता दीजिएगा कि मैं निकलूँ कब। भाईजान मारी जो है 1700 से वापस आते आते आज कहाँ पर आ गया है, अभी भी वो पूछ ही रहे हैं। अरे मेरे भाई अब निकल, देखें कामयाब यहाँ पर वो है जो यहाँ पर ट्रेन से उतरना का फन जानता है, जिसको ट्रेन से उतरने का फन नहीं आता तो वो फिर दूसरे स्टॉपों पे पहुँच जाता है। आज जो है हमारी 1618 पर आ गया है, 1700 से 1618 यानी कि 100 रुपये तकरीबन इसमें से जा चुके हैं। और मार्केट आज जो है ना तकरीबन 1000 की करेक्शन हुई है उसके अंदर, क्योंकि जो ये माइनस हुई है 683 और प्लस हुई थी ये 291, तो इनको जमा कर ले तो ये तकरीबन 980 के करीब बन जाती है। तो 1000 की करेक्शन तो ये हो गई है। कल है मार्केट में 2 सेशन, तो 2 सेशन में मोस्टली जो है ना मार्केट नीचे ही जा रही होती है। अच्छा एक साहब है, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उनका, फजर के टाइम उनका मेरे पास व्हाट्सएप आया कि आज जो है ना मैं ये चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने उसी बात उनको कहा कि अगर आपके पास टाइम है तो मुझे कॉल करें। वो गैर मुल्क में, उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उन्हें स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि आज मार्केट में एंट्री नहीं देनी है आपने, अगर गए तो फिर फंस जाएंगे। उसके बाद फिर शाम में उनका फ़ोन आया कि यार आपने बचा दिया। मैंने कहा बचाता तो अल्लाह ही है, लेकिन वाजे आसार नज़र आ रहे थे, लेकिन ये करेक्शन आ रही है ना तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन लोगों ने होल्डिंग की हुई है, बजाय इसके कि वो ये कह रहे हैं कि जी हम ये माल छोड़ देते हैं, अब ये सब छोड़ेंगे इसी आश्रय में कि 2000 की जो है ना करेक्शन होगी तो हमें नीचे मिल जाएगा। देखें इतनी करेक्शन के बावजूद आपका सीमेंट सेक्टर बिल्कुल भी नहीं टूटा, वो अपनी जगह पर रहा, इंटैक्ट रहा। तो करेक्शन भी होगी, लेकिन जिन आइटम में जगह होगी वो आइटम उठा भी लेंगे वो। इसलिए आप अगर, मेरा मशवरा था यह है कि अगर आप छोड़ते हैं और फिर दोबारा कोशिश करते हैं नीचे, हम दोबारा ले लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपके नीचे मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, अच्छे वाले स्टॉक जिनके पास हैं, जैसे मैं पहले किसी के पास है वो परेशान ना हो, सेंचुरी पेपर है वो परेशान ना हो, ADMM है वो बिल्कुल परेशान ना हो। इसी तरह जिनके पास अच्छे अच्छे स्टॉक हैं WTL वगैरह के अंदर, मैं नहीं मशवरा दे सकता कि ये जाएं। इसी तरह हमारे लियाकत भाई ने TGL पूछा है और उसके बाद जो है सेंचुरी पेपर, तो ये दोनों गोल्डन आइटम है, ये कहीं नहीं जाते। TGL जो फ्लोट ग्लास बनाता है और सबसे बड़ी कंपनी यही थी, ये तारीख ग्लास इसके बाद आया है। इसी तरह सेंचुरी पेपर है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब एक साहब और हैं, साकिब हबीब साहब हैं, उन्होंने पूछा है शायद के छोटे छोटे स्टॉक 10 वाले बता दें, या तो वो आपने नहीं रिकमेंड कर ही दिए। लेकिन एक और है NRSL, ये निवर केमिकल वालों का ही है, अगर ये ले लें इस वक्त बहुत अच्छे रेट पर है ये, अगर लेके इसको लॉन्ग होल्डिंग करेंगे तो यकीनन ये पैसे देकर जाएगा, क्योंकि ये केमिकल साइड पर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा सिलिक बैंक की जहाँ तक कहानी चल रही है, तो सिलिक बैंक में आपको बता दूं कि सिलिक बैंक एकदम वाइट वाश नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोगों का पैसा है, इसमें अकाउंट्स हैं, ये एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगा। स्टेट बैंक की परमिशन है, इनका 12 अरब का कैपिटल है, आप पैसे सबको मिल जाएंगे, ये डूबेगा नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी इसमें चाइना ने भी इंटरेस्ट शो किया है, वो भी ख़रीदना चाहते हैं, तो देखें ये बात कहाँ तक बनती है। अगर ये बन गई तो शायद ये 4-5 रुपये तक ही चला जाए, लेकिन ये है कि फिर भी जो है ना जिसमें ये मर्ज होगा तो एक रेशियो होती है, जाहिर है आपको तो आप बहुत बेहतर पता है, तो उस रेशियो के हिसाब से अगर 4 रुपये वाला है 20 रुपये वाले में मर्ज होगा तो इनका हिस्सा आएगा क्या। अगर ये 1 लाख शेयर लेंगे तो मुश्किल से इनके हाथ में 10-15 हज़ार शेयर आएंगे, तो ये सारी चीज़ें भी जहन में रखें। ये उसके बाद जो है ना पायनियर सीमेंट के बारे में उन्होंने पूछा था, पायनियर यहाँ पर
खासा ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ से निकल के ये अपने मेपल लीफ में आ जाएं। इसी तरह जो है ना मुगल के अंदर से जो लोग बाहर आए हैं मेरे ख्याल वो सही आ गए हैं, क्योंकि वो भी खासा हीटअप हो चुका था, तो वहाँ से जो है ना अपने अमरेली, आपके पास ऑप्शन तो हर जगह मौजूद है, ऑप्शन देखा करें कि कौन सा वाला ऐसा है कि जिसके अंदर हम जाएं, क्योंकि आप देखें ये आपके सामने जो है अमरेली जो है 52 रुपये तक जाके आया है, अब वो अगर आपको 45-46 में मिल रहा है तो ये आपने इसका देखा है कि यहाँ तक जाके आ सकता है, फिर उसकी अर्निंग भी अच्छी आई है। अब इनकी अर्निंग देखें ना, जैसे मैंने सेंचुरी पेपर की बताई थी हाफ ईयर की 8 रुपये आई है इसकी अर्निंग, तो फुल ईयर के लिए तो 16 रुपये बन जाएगी, 16 रुपये अगर बन जाती है तो तकरीबन 160 रुपये का शेयर है, 160 का नहीं 150 का, और इस वक्त मेरा ख्याल जो है ना शायद ये 100 के आसपास मिल रहा है या 100 से भी शायद कम हो गया होगा आज, तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे शेयर। आज देखा आपका ऑयल सेक्टर को उन्होंने बिठा दिया, दूसरे सेक्टरों को उन्होंने, इसी तरह करेक्शन तो है ना अभी मैं नहीं समझता कि करेक्शन कम्प्लीट हुई है, करेक्शन अभी मजबूत हो सकती है। अब यहाँ पर जो है ना ये मैंने हमेशा इन्हें कहा कि 3 फेज बाइंग किया करें, एक ही दफ़ा में सारे शेयर मत खरीद लिया करें, अगर किसी ने इस उसूल को अपनाया है तो डेफिनेट सी बात है उसके पास 50% पैसा होना चाहिए, अब वो यहाँ जाकर नीचे हर चीज़ को अपने शेयर को जो है एवरेज कर सकता है, एवरेज करेगा बड़ा इजीली उसको यहाँ पे गेन मिल जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे शेयर, अच्छा बहुत सारे भाई हमारे जो है ना 800 वाले शेयर में 1000 वाले शेयर में जाना चाह रहे होते हैं, मेरे भाई इतने उसमें ना जाया करें, क्योंकि वो तेज़ी से चलते भी हैं तो तेज़ी से नीचे भी उसी तरह आ रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि छोटे छोटे शेयरों में रह लें, दो तीन शेयर खरीद लिया करें, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अभी मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन अभी ड्यू है, वैसे तो ये मार्केट जो है 46,000 से ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी थी, यहाँ से ये दोबारा जा भी सकती है ऊपर की तरफ, क्योंकि 4700 पे ये जाकर रुक रही थी, इसे क्रॉस नहीं कर पा रही थी, कई दफ़ा इसने हिट किया, तकरीबन पूरा महीना यही सूरत हाल चलती रही है, जिसकी वजह से इसमें करेक्शन थी ड्यू। अगर ये 1000 पॉइंट और इसमें से निकल जाते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पोजिशन पर आ जाएगी, वहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी बनती है, वहाँ पर जाकर अच्छे स्टॉक्स में हाथ डालें, ये जो है ना ये टैली कार्ड और ये इन चीज़ों में ना जाएं ये बिल्कुल। अच्छा अभी आपको बताऊं, अभी रिफाइनरी में क्रेशन बाकी है, देखें मैं आपको नेट सोल का बताता हूं, नेट सोल 79 पर था जब इसका रिजल्ट आया ना, तो इसकी अर्निंग आई थी 1 रुपये आने के बाद इसको 4 नीचे के लॉक लगे थे, अभी नेट सोल का जो है ना रिजल्ट बाकी है, अब इसका रिजल्ट आएगा ना तो फिर देखते हैं कितने लॉक लगते हैं इसको नीचे के, क्योंकि अर्निंग नहीं है इनकी, अभी देख रहे हैं दो लॉक तो इसको लग चुके हैं, मजीद ये नीचे जा सकता है, नीचे जाएगा तो फिर ऊपर भी आ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखें, जिनके रिजल्ट आ गए हैं और उनकी अर्निंग सामने आ गई है, जैसे सेंचुरी पेपर की आ गई है, आपके अमरेली की सामने आ गई है, बहुत सारे शौकीन हैं बैंकों के तो बैंकों की अर्निंग सामने आ चुकी हैं, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं सामने, मेरा ख्याल है कि सबके जवाब हो ही गए, कोई खास सवाल किसी ने आज था नहीं जी, बाकी अगर कुछ चले बस, तकरीबन हमारा टाइम भी काफ़ी ऊपर हो गया है, जैसे एज यूजुअल कहते हैं तकरीबन 1 घंटे का हो तो मेरे लिए इजी हो जाता है एक्सपोर्ट करना और यूट्यूब पर अपलोड करना। बहरहाल ये सवालों के जो है सिलसिले इसी तरह चलते रहेंगे, आप लोगों में से आज बहुत से नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया, उन्होंने शायद हैंड रेज की ऑप्शन को क्लिक नहीं किया तो मैं उनका क्वेश्चन ही ले सका, बहरहाल आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ, एक दफ़ा फिर आप आते रहा करें, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन भी आपके लिया करेंगे और साथ साथ जो है आपको मालूमात का इजाफा भी आपको होता रहेगा, और ख़ास तौर पर जो है यूट्यूबर भी हमें बड़ी इकतदार जो है वो लोग देखते हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो जो देखते भी हैं और जो हमारे मेंबर्स भी हैं, आप सबका बहुत ही शुक्रिया, और इसके साथ ही जो है इस जूम सेशन को जो है मैं आज एंड करने जा रहा हूं, लेकिन यही है कि मार्केट जो है जैसे भी होती है आप लोगों को जैसे ये आज बार बार हम यही समझा रहे हैं कि कोशिश करें कि जहाँ पर आपको प्रॉफिट टेकिंग, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, अगर आपका लॉन्ग टर्म वाला हौसला नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा दिल और जिगर और गुर्दा रखना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का भी तरीका यही होता है कि जब वो शॉर्ट टर्म को जो मैंने टारगेट्स दिए हुए हैं उसको अचीव करे, फिर वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करे, फिर नीचे आए। बहरहाल इस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से इसको समझाया, इससे एक बहुत अच्छी एवरेज जो है वो आपकी बन सकती है ये, तो इसी के साथ इस जूम सेशन को मैं एंड करने जा रहा हूँ, कल इंशाल्लाह फिर हमारी 8 बजे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और ख़ासतौर पर मैं कोशिश करूँगा कि रात को भी आपको जो है ना व्हाट्सएप पर एक अच्छा सा मैसेज कर दूँ आपको तसल्ली देने के लिए, और कैसे आपकी स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं, वैसे आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।